नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी विज। देखिए कितनी शानदार बात लिखी यहाँ पे, अ गोल विदाउट अ प्लान जस्ट इज अ विज। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार आपको किसी प्रकार किसी मंजिल को पाना है तो आप क्या कर लेंगे, उसको जो है गोल आप सेट कर लेंगे, परंतु वो गोल कब तक विज है, जब तक कि आप उसके लिए सही से प्लानिंग ना कर लो। अगर आपने सही से प्लानिंग नहीं की है उसको पाने के लिए, तो आपका जो गोल है एक प्रकार से इच्छा है, इच्छा मात्र रह जाएगा। तो क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपका समय कहाँ चले जाता है पता नहीं चलता है, तो आपको क्या करना होगा, प्रत्येक दिन जब आप सुबह से उठते हो शाम तक के लिए जितनी भी चीजें आप करते हो उसके लिए आपको एक चार्ट बना लेना है। चार्ट कैसा बनाना है, आपको A4 जो साइज है उसकी एक सीट लेना है ब्लैंक वाली, और आपको उसमें 1 से लेकर 24 तक घंटे लिखना है, मतलब 24 लाइनें आपको लिखना उसमें, और प्रत्येक घंटे में आप क्या क्या टास्क जो हल करते हैं या फिर जो भी आप काम करते हैं उसको एक के बाद एक आपको लिखना है। उस प्रकार आप जब शाम को देखेंगे तो आपके सारे जो काम है या सारे जो 24 घंटे हैं वो किस प्रकार यूटिलाइज हुए हैं, सारी चीजों आपके सामने जो है नजर में रहेगी, मतलब सारे जो भी काम किए आपने वो सभी आपके नजर में रहेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका समय कहाँ कहाँ यूटिलाइज हुआ है और कहाँ कहाँ बेकार हुआ है। तो आप उससे एनालाइज कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए कि किस प्रकार मुझे अपने जो सारे जो टाइम है, मतलब सभी प्रकार के जितने भी 24 घंटे हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है, वो आपके सामने नजर में रहेगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। और सुबह उठना है, उठना कितने बजे है, जैसे मान लीजिए आप 4 बजे तो नहीं उठते हैं, अगर उठते भी तो अच्छी बात है, परंतु आप 5 बजे उठते हैं तो 5 बजे तक उठ ही जाया करो, तो उसके बाद से लेकर आप सोते समय तक क्या क्या काम किए हैं एक बार आप शाम को नजर मारना पड़ेगा सोने के पहले, तो ही आप क्या कर पाओगे, जो आपका गोल है उसको जल्दी से अचीव कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, वो एक प्रकार से इच्छा मात्र रह जाएगी, गोल जो है बिना प्लानिंग के गोल नहीं कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर्स का वीडियो है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट डे पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, PIB न्यूज एनालिसिस, इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में जानेंगे, मैप प्रैक्टिस के अंतर्गत एक कंट्री देखेंगे, पिछले डे के क्वेश्चन के आंसर और नए क्वेश्चन आपके लिए होंगे। इन सभी को मिलाकर हमारा जो वीडियो है उसका नाम हो जाता है मॉर्निंग कैप्सूल, और आज है 31 जुलाई यानी कि 31 जुलाई। और आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करने से पहले बता दें, जो आज पहली बार देख रहा है उनके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उस पर आपको PDF अवेलेबल हो पाएगी, इसके अलावा अगर फेसबुक पर हमें फॉलो करते हैं तो आपको फेसबुक के जो ग्रुप है सरकार स्टडी बेस, इस पे भी आपको PDF अवेलेबल हो पाएगी, और अदर स्टडी मटेरियल और जो PDF की लिंक है, अगर आप इन दोनों में नहीं हो तो आप हमारी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, इस पे आपको PDF की लिंक और इसके अलावा अन्य जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपको मिल पाएगा। तो इसको फॉलो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है वेबसाइट जो वीडियो है उसके जस्ट नीचे, तो उससे आप जाकर सारी चीजों को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा इंपॉर्टेंट डे क्या होने वाला है, वर्ल्ड टाइगर डे यानी कि विश्व बाघ दिवस जिसे हम बोलते हैं, तो ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 29 जुलाई को, और इसको मनाने का जो शुरू किया गया था वो वर्ष 2010 में किया गया था। हम देख सकते हैं कि 2010 में ये पहली बार मनाया था, तो स्टार्टिंग यहां से हुआ। तो कैसे हुआ, ये रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में जो बाघ सम्मेलन हुआ था 29 जुलाई को, इसी के तहत यह निर्णय लिया गया था कि 29 जुलाई को यहां बाघ जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इस सम्मेलन में 13 देशों ने भाग लिया था, जिसमें निर्धारित क्या किया गया था कि जो 2022 है यानी कि आने वाला जो 2022 है उस तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का यहाँ बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया था। अब 2022 आपको कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि 2022 बहुत सारी चीजों के लिए है, जैसे कि आप देख सकते हैं किसानों की आय दोगुनी करने का भी यहाँ लक्ष्य रखा गया है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये भी विशेषता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हम देखें यहाँ तो बाघों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है मुख्य रूप से, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है इसके अनुसार यदि हम देखें तो विश्व में 3,890 बाघ बचे हुए, जिसमें कि सबसे ज्यादा देखें हम तो 2,500 यानी कि 2,500 बाघ कहाँ है, हमारे भारत के अंतर्गत है। इनके अस्तित्व पर लगातार खतरा मंडरा रहा है और यह प्रजाति जो है विलुप्त होने की स्थिति में है। अब यहाँ यदि हम देखें तो इस बार का जो बाघ दिवस मनाया गया, विश्व बाघ दिवस, इसमें मध्य प्रदेश में राज्य टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी ऑफ वन विभाग ने बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता और समर्थन बढ़ाने के लिए 6 शहरों में दीवार चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजन किया था। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कहा जाता है और बाघ देश की शक्ति, शान, सतर्कता, बुद्धि और धीरज का भी प्रतीक यहाँ माना जाता है। इसके अलावा देखें तो जो IUCN होता है, तो इसमें जो राष्ट्रीय पशु बाघ है इसको लुप्त प्रजाति के रूप में यह लिस्टेड कर रखा है, और भारत में रॉयल बंगाल टाइगर्स की व्यवहारता को बनाए रखने और उनकी संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से यहाँ 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। इसके अलावा मौजूदा जो समय है उसमें
48 बाघ उद्यान है, मतलब 48 बाघ उद्यान है कहाँ पे, भारत के अंतर्गत, जिनमें से कई जो है जीआईएस यानी कि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है, इस प्रणाली का इस्तेमाल करके बाघों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सफल किया जा रहा है। इन उद्यानों में बाघों के शिकार को लेकर काफी सख्त नियम बनाए गए हैं, साथ ही इनके लिए जो है एक समर्पित टास्क फोर्स की भी स्थापना की गई है। रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसका एक शानदार उदाहरण यहाँ माना जाता है। पूरी दुनिया में जो है बाघों का कई तरह की प्रजातियां मिलती है, जैसे कि हम देखें तो इनमें 6 प्रजातियां मुख्य रूप से है, जैसे कि साइबेरियन बाघ है, बंगाल जो टाइगर होता है या बंगाल का बाघ, इंडो चाइनीज बाघ है, मलयान बाघ है, सुमात्रा बाघ, और इसके अलावा साउथ चाइना बाघ। तो ये मुख्य रूप से 6 प्रजाति यहाँ पे है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे उड़ीसा के अंतर्गत एक जो है बांध परियोजना, इसकी बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका उद्घाटन कर दिया गया है। नाम क्या है इसका, रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना। तो इसका उद्घाटन जो किया गया है जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, इनके द्वारा सुंदरगढ़ जिले में 300 करोड़ रुपए की लागत से इसको स्टार्ट किया गया है। क्या नाम है इसका, रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना। इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो 5,800 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र की सिंचाई इसके अंतर्गत की जाएगी, और इनके द्वारा कहा गया है कि जब 2014 में जो चुनाव हुए थे इसके अंतर्गत 10 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई प्रदान करने का जो वादा किया गया था, तो उसको पूरा किया जाने का यहाँ इन्होंने क्या बोला है कि 2019 तक इसको पूरा किया जाएगा, इनके द्वारा कहा गया है। और यहाँ के जो गवर्नर है कौन है, गणेश लाल है जो उड़ीसा के गवर्नर, और उड़ीसा के अंतर्गत देख सकते हैं हम यहाँ पे महानदी में हीराकुंड बांध परियोजना है। नेक्स्ट क्या बात की जा रही है यहाँ पे, IRDAI यानी कि इंडिया सॉरी यहाँ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे फुल फॉर्म बोल सकते हैं हम, और यहाँ इसका हिंदी में देखें हम तो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IRDAI। इसके तहत एक जो है 16 सदस्यीय समिति का यहाँ गठन किया गया है, जिसमें क्या किया जाएगा, जो मोटर होती है मोटर थर्ड पार्टी की जो बीमा मूल्य निर्धारण होती है उसकी पहलियों की जांच की जाएगी, जिसमें कि 2019 और 20 के लिए प्रीमियम दरों की सिफारिश भी यहाँ की जाएगी, मतलब प्रीमियम दरों की सिफारिश बनाने के लिए इसकी समिति की यहाँ गठन किया गया है, जिसमें कि 16 सदस्य होंगे, और जो IRDA के सदस्य PJ जोसेफ है इस समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यह पहली बार हुआ है इस प्रकार का, जबकि IRDA ने ऐसी किसी समिति का गठन किया है, और उद्योग में विकास के मद्देनजर समिति के को जो है वाहनों के वर्गीकरण की समीक्षा करने का भी यहाँ काम सौंपा गया है। मुख्यालय इसका कहाँ है, IRDAI का, हैदराबाद के अंतर्गत है, और इसके जो अध्यक्ष अभी सुभाष चंद्र कुंतिया है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में IRDA की स्थापना कब की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, जो संसद है उसके अंतर्गत मतलब पार्लियामेंट, उसके अंतर्गत एक अधिनियम जो विधेयक है, मतलब जी राष्ट्रपति को साइन होने के पश्चात, मतलब राष्ट्रपति की परमिशन मिलने के पश्चात ये एक्ट बन जाएगा, तो उसके पहले तक ये क्या है, विधेयक यानी कि बिल है। तो ये जो है भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018, इसको मंजूरी दे दी गई है संसद के द्वारा। तो इसके अंतर्गत क्या है, जैसे हम देख सकते हैं जो आपको यहाँ फोटो में नजर आ रहा है, जो विजय माल्या है और नीरव मोदी, इसके अलावा देखें तो मेहुल चौकसी, ये जो कथित अपराधी है, इनके अंतर्गत जो स्थानीय और विदेशी संपत्ति उनको जब्त करने के लिए जो इस विधेयक है मतलब ये एक्ट बन जाएगा, इसके तहत यहाँ पे इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो इसी के तहत जो संसद है इसने भारत में सुनवाई के लिए उच्च श्रेणी के अपराधों में शामिल फरार अपराधियों को वापस लाने और जो है मतलब लाने में जो मदद करने के लिए कानून को यहाँ मंजूरी दे दी गई है, जो कि हम जानते हैं भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018, और राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात ये जो है एक्ट बन जाएगा, मतलब संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ दिया जाएगा संविधान में। इससे सरकार को दोषी ठहराए जाने से पहले भी भगोड़ा यानी कि जो भाग जाते हैं देश की संपत्ति लेकर, उनकी संपत्तियों को जब्त करने में यहाँ मदद मिलेगी, और यह बिल बेनामी संपत्तियों को जब्त करने की शक्ति भी प्रदान करता है। इसके बाद यदि बात करें हम यहाँ पे तो IEEFA की बात की जा रही है, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, तो एक प्रकार की ये रिपोर्ट है, तो ये जो है US आधारित है। तो इसके अंतर्गत देखें हम तो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में कर्नाटक देश का नेतृत्व कर रहा है, इसके अंतर्गत बताया गया है, और ये जो है तमिलनाडु से आगे है, जो कि काफी समय से भारत का सबसे श्रेष्ठ नवीकरणीय बाजार यहाँ बनकर उभरा हुआ है। कर्नाटक में मार्च 2018 तक नवीकरणीय क्षमता के अंतर्गत देखें हम तो 12.3 गीगावाट जो है स्थापित की है, और इसके अंतर्गत जो रिपोर्ट है इसमें कर्नाटक के बिजली, मतलब शीर्षक क्या था इसका, कर्नाटक के बिजली क्षेत्र का कायापलट, यानी कि कर्नाटक का इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, इसका शीर्षक था, और यहाँ के जो CM है HD कुमारस्वामी है, और गवर्नर कौन है, बैजूभाई पाला है।
नेक्स्ट बात करते हैं AIESHE की बात की जा रही है, यानी कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। देखा होगा आपने, जैसे कि मान लीजिए कोई भी जो हायर एजुकेशन के अंतर्गत, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी कि MHRD, इसके अंतर्गत जो भी संस्थान होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो उनके लिए सर्वेक्षण किया जाता है प्रतिवर्ष। तो ये सर्वेक्षण का जो भी काम किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, AIESHE के द्वारा किया जाता है, जिसे हम फुल फॉर्म क्या बोल सकते हैं इसका, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत वर्क करता है। तो इसकी जो स्थापना है, मतलब गठन किया गया था 2010 और 11 के अंतर्गत किया गया था। तो एक प्रकार से सर्वेक्षण करता है ये, और एक प्रकार का टास्क फोर्स है जो कि HRD मिनिस्ट्री, UGC, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके अलावा देखें तो जो संविधान के प्रतिनिधि, इसके तहत इसे गठित किया गया था। और टास्क फोर्स ने एक वार्षिक अभ्यास करने के लिए सर्वेक्षण की सिफारिश की, जिसे कि स्वीकार भी कर लिया। और अब यह HRD इंडिया के जो है मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नियमित सर्वेक्षण कर रहा है प्रतिवर्ष। इसी के अंतर्गत एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसे हम बोलते हैं AIESHE रिपोर्ट 2017-18। तो ये रिपोर्ट जब कब जारी की, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों के कुलपति और निदेशक के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया यहाँ पे, और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो हमारे प्रकाश जावड़ेकर, इनके द्वारा सम्मेलन की अध्यक्षता की गई, और HRD राज्य मंत्री उच्च शिक्षा सत्यपाल सिंह इस अवसर पर जो है मतलब उपलब्ध थे, और उन्होंने इसकी सराहना की। विषय क्या था इसका, रिसर्च एंड इनोवेशन इन हायर एजुकेशन। इस अवसर पर मंत्री ने अखिल भारतीय सर्वेक्षण उच्च शिक्षा यानी कि AIESHE रिपोर्ट 2017-18, उच्च शैक्षणिक प्रोफाइल 2017-18 और स्वच्छ कैंपस मैनुअल, ये भी जारी किया यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं हम मेघालय जो है मिल्क मिशन, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये लॉन्च कर दिया गया है। तो यहाँ जो हमारे केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री है राधा मोहन सिंह, इन्होंने जो है शिलोंग यानी कि मेघालय की राजधानी है, यहाँ दूध मिशन को लॉन्च किया है। यह मिशन जो है राज्य में दूध व्यापार को बढ़ावा देने, इसके माध्यम से 2022 तक किसान की आय को दोगुना करने के केंद्र के लक्ष्य को हासिल करने में यहाँ मदद करेगा। जैसे कि हमने पीछे बात करे थे 2022 तक बाघों की संख्या में भी दोगुनी वृद्धि करने की यहाँ बात की गई है, और यहाँ किसानों की आय को भी दोगुना करने की बात की गई है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि NCDC, इसके माध्यम से परियोजना के लिए स्वीकृत राशि 215 करोड़ रुपए है। राशि का उपयोग जो है डेयरी फॉर्म, सीलिंग सेंटर, दुग्ध पशु की खरीद के तहत विभिन्न प्रशिक्षणों के लिए किया जाएगा। दूध मिशन राज्य को जो राज्य है राज्य को अपने उत्पादन के साथ दूध के आयात को प्रतिस्थापित करने में यहाँ सक्षम करेगा। अब बात करें मेघालय के सीएम कौन है, कॉनरेड संगमा है, और गवर्नर कौन है यहाँ के, गंगा प्रसाद है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक टाइगर रिजर्व की बात की जा रही है जिसका नाम क्या है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। तो यहाँ आपको नाम सुनकर पता होगा कि ये कहाँ पे है, कर्नाटक के अंतर्गत स्थित है। यहाँ देखिए हम तो बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है, इसे पहले क्या बोलते थे, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2007 में यह अस्तित्व में आया, और यह नाम जो है बांदीपुर नामक गाँव से लिया गया है जहाँ टाइगर रिजर्व की प्रशासनिक इकाई अवेलेबल है। कर्नाटक में है, हमने देख लिए। तमिलनाडु के अंतर्गत देखे तो मधुमलाई वन्य जीव अभयारण्य, केरल के अंतर्गत वायनाड वन्य जीव अभयारण्य, और इसके उत्तर में नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर टाइगर रिजर्व भारत के सबसे बड़े बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं यहाँ पे, जिसे व्यापक रूप से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। प्रमुख नदियां यहाँ की कौन है, मोयन नदी है, नूलपुजा नदी है, नुबू होल और कबीनी नदी है यहाँ की। बात करते हैं यहाँ पे नीलगिरी माउंटेन रेलवे की बात की जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है भारत के अंतर्गत पांच पहाड़ी रेलवे जो होती है उनमें से एक है ये। इसके अलावा चार कौन कौन सी है, पहली तो हो गई हमारी नीलगिरी माउंटेन रेलवे, इसके अलावा चार कौन सी है, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे यानी कि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत, कालका शिमला हिल रेलवे हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत, कांगड़ा घाटी रेलवे ये हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत, और माथेरान लाइट रेलवे ये महाराष्ट्र के अंतर्गत है। टोटल मिलाकर पांच है रेलवे भारत के अंतर्गत, पहाड़ी रेलवे जिन्हें हम बोलते हैं। भारत के माउंटेन रेलवे को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में यहाँ शामिल किया गया है, और पर्यटकों के आवागमन को बढ़ावा देने के लिए दक्षिणी रेलवे का यह कोच है जिसे हम NMR 87 बोलते हैं, और ये 25 वर्ष पुराना है, जिसे विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ नवीनीकृत करने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। बात करते हैं आज के इम्पोर्टेंट पर्सन की। तो आज के हमारे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है, चाणक्य है। तो चाणक्य जैसे हम देखें तो इसे अलग नाम क्या है, विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, चाणक्य तो है ही, चाणक्यवासी बोला जाता है, और इसका जो गोत्र नाम था कौटिल्य था, मतलब कुटिल से।
और इनका जो जन्म हुआ था, अगर अनुमानित तौर पर देखें तो ईसा पूर्व 370 के तहत इनका जन्म हुआ था पंजाब में, और मृत्यु इनकी ये भी अनुमानित है, मतलब एग्जैक्ट पता नहीं है। ईसा पूर्व 283 इसके तहत जो है इनका जन्म हुआ था पाटलिपुत्र के अंतर्गत, और ये जो है चाणक्य के शिष्य थे, इसी के अनुसार इनका नाम चाणक्य पड़ा है। और चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक नीति ग्रंथ यानी कि चाणक्य नीति भी प्रचलित है, और संपूर्ण विश्व में एक महान राजनीतिक और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री के रूप में यह प्रसिद्ध है। इनके द्वारा अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ भी लिखा गया है जो कि राजनीति, अर्थनीति, इतिहास, आचरण और धर्मशास्त्र आदि पर भली भांति प्रकाश डालता है। अर्थशास्त्र मौर्य काल के समाज का दर्पण भी यहाँ माना जाता है। 20वीं सदी में क्या हुआ था, महामहोपाध्याय श्याम शास्त्री और महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री इनके द्वारा अर्थशास्त्र की खोज की और उसे एडिटिंग यानी कि संपादित भी करके उसे प्रकाशित किया। मुद्रा राक्षस में क्या लिखा है, अब आपको बताना है मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है, मतलब किसके द्वारा ये लिखी गई थी। इसमें बताया गया है कि जो राजा नंद थे उसने भरे दरबार में चाणक्य को उसके पद से हटा दिया, मतलब भारी बेइज्जती की थी, तो उसे दरबार से जो है भगा दिया यहाँ से। इस पर चाणक्य ने शपथ ली थी गुस्से में आकर कि वह उसके पूरे परिवार तथा वंश को निर्मूल करके जो है बदल देगा, मतलब निर्मूल कर देगा। तो एक तरीके से तो उसी के प्रकार आप देख सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त था तो उसके साथ मिलकर इनने क्या किया, जो मौर्य साम्राज्य था उसकी स्थापना की, और बाद में नंद वंश जो घना नंद था उसको पराजित किया, और उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना की इसने। अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखें तो हमने देख लिया यहाँ पे ये जो है अर्थशास्त्र मौर्य समाज का दर्पण माना जाता है, समाज के स्वरूप को सर्वांग देखा जा सकता है। अर्थशास्त्र से धार्मिक जीवन पर काफी प्रकाश पड़ता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार देखें तो राजा का जो मुख्य कर्तव्य था प्रजा द्वारा वर्णाश्रम धर्म और नैतिक आचरण का पालन करना था। यहाँ देखें हम तो चाणक्य राजनीति शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचयिता एवं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, ये भी देखें हमने। और चाणक्य का जो लिखा हुआ अर्थशास्त्र है आज भी अपने विषय का एक श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। कौटिल्य के द्वारा यानी कि चाणक्य के द्वारा अनेक ग्रंथों का अध्ययन करके अर्थशास्त्र की रचना की थी। बौद्ध धर्म के जातक ग्रंथ लगभग 600 ईसा पूर्व से अर्थशास्त्र की गणना, मतलब इसकी जो गणना है इसकी एक प्रमुख रूप में होने लगी थी। नेक्स्ट बात करते हैं मैप प्रैक्टिस के अंतर्गत आज की जो कंट्री है उसके बारे में हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो आज की हमारी जो कंट्री है UAI यानी कि संयुक्त अरब अमीरात जिसे हम बोलते हैं, तो कहाँ पे है ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से हम चले तो ये आपको UAE यहाँ पे नजर आ रहा है फारस की खाड़ी के पास में। इसके बारे में हम देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है। एक तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ओमान हो गया, एक हो गया सऊदी अरब, और उसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पे कतर भी है जो इसकी बॉर्डर को शेयर कर रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी है और गल्फ ऑफ ओमान है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसकी राजधानी जो है अबू धाबी है, और राष्ट्रपति यहाँ के खलीफा बिन जायद अल नायन है, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल, और मुद्रा यहाँ की UAI दिरहम है। और संयुक्त अरब अमीरात जो है मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है, और यहाँ पे एक अभ्यास भी किया गया था जिसे हम बोलते हैं डेजर्ट टाइगर 5 अभ्यास। संयुक्त अरब अमीरात जो संयुक्त अरब अमीरात है और मलेशिया इनके द्वारा संयुक्त रूप से इस अभ्यास को किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जो है विशेषज्ञता को शेयर करना, और दुबई संयुक्त अरब अमीरात में संयुक्त सैन्य कार्रवाई को बेहतर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। क्या, डेजर्ट टाइगर 5 जो कि दो देशों का संयुक्त अभ्यास है यानी कि UAI यानी कि जो संयुक्त अरब अमीरात है और मलेशिया दोनों का। नेक्स्ट बात करते हैं पिछले डे के क्वेश्चन के आंसर की। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नाटो के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ हम देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन था नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके सहयोगी देशों के द्वारा रक्षा पर जो राष्ट्रीय बजट पर 2% खर्च करने का निर्णय लिया गया, परंतु जो डोनाल्ड ट्रंप है USA के राष्ट्रपति इनके द्वारा क्या कितना प्रतिशत का निर्णय मतलब खर्च करने का आग्रह किया गया, तो ये किया गया है डबल सीधा सीधा 4% यानी कि 2 से सीधा बढ़ाकर डबल कर दिया 4%। तो राइट आंसर भी हमारा क्या होगा, डी। इसके अलावा हम देखें यहाँ तो जो ब्रुसेल्स में नाटो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें सदस्यों से रक्षा क्षेत्र के GDP का 4% तक खर्चा बढ़ाने के आश्चर्यजनक इनके द्वारा मांग की गई, और नाटो के जो रक्षा क्षेत्र है उसमें मौजूदा योगदान 2% है, ये हमने देखी, इसको दोगुना करने की बात की गई। नाटो एक प्रकार से अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, इसकी स्थापना की गई थी अप्रैल 1949 के अंतर्गत। वर्तमान में इस संगठन में 29 सदस्य देश शामिल है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंतर्गत है। नेक्स्ट बात करते हैं अब जो है मानसून सत्र से राज्यसभा में संसद सदस्य भारत के संविधान की 8 शेड्यूल में उल्लेखित 22 भाषा जो अनुसूचित भाषा उसमें से
किसी एक भाषा में बात कर सकते हैं। राज्यसभा की जो वर्तमान सदस्य है वो कितनी है? तो जैसे कि बात करें यहाँ पे, तो टोटल जो सदस्य संख्या है 250 है, परंतु अभी 245 है। अब राज्यसभा के बारे में देखें तो जैसे कि हमारी जो पार्लियामेंट होती है, तो पार्लियामेंट में तीन पार्ट होते हैं, आपको पता होगा। एक तो होती राज्यसभा, लोकसभा होती है, प्लस राष्ट्रपति होते हैं। तीनों मिलाकर क्या बनाते हैं? संसद बनाते हैं। तो राज्यसभा जो होती है अपर सदन कहलाती है, लोकसभा निचला सदन कहलाता है। तो राज्यसभा जो होता है जैसे कि स्थायी सदन हम जिसे बोल सकते हैं, तो स्थायी होता है, विघटित नहीं होता, परंतु लोकसभा विघटित हो जाता है। तो इसी के तहत हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसके जो राज्यसभा है इसका वर्णन किया गया है फोर्थ शेड्यूल में, यानी कि चौथी अनुसूची में किया गया है राज्यसभा की सीटों का उल्लेख, और इलेक्शन जो होता है इसके इनडायरेक्ट होता है। यहाँ हम देखें तो 250 है, जैसे कि 238 जो है स्टेट, मतलब जो है स्टेट और जो हमारे क्या बोल सकते हैं हम केंद्र शासित प्रदेश, दोनों को मिलाकर, और 12 होते हैं नॉमिनेट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा, परंतु वर्तमान में 245 है, जिसमें कि 229 स्टेट से रिलेटेड, 4 है केंद्र शासित प्रदेशों से, और 12 है नॉमिनेट। यहाँ पे टोटल मिलाकर कितने हो गए? 245 है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 245। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? निम्न में से किस राज्य ने राज्य व्यापार सुधार आकलन के लिए 2018 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये है कौन? आंध्र प्रदेश। मतलब एक प्रकार से हम देखें यहाँ पे, तो जो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी। और यहाँ पे जो विश्व बैंक है तथा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग यानी कि DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन जिसे हम बोलते हैं, इसके द्वारा कारोबार सुगमता यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसका थर्ड वर्जन यहाँ 2018 के अंतर्गत जारी किया गया था। इसमें लगातार आंध्र प्रदेश को दूसरी बार प्रथम स्थान पाने का, मतलब जो आंध्र प्रदेश है दूसरी बार सफल होने के लिए यहाँ, मतलब प्रथम स्थान में आने के लिए सफल रहा है। और तेलंगाना जो है, तेलंगाना और हरियाणा सेकंड और थर्ड नंबर पर है, झारखंड चौथे स्थान पर है, और गुजरात फिफ्थ नंबर पर है। अगर बात करें यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन की, तो ये स्टेब्लिश किया गया था 1995 के अंतर्गत, और यह भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम कर रहा है। बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके लिए है। जैसे कि बात करें हम पहला, तो इंटरनेट की आजादी से संबंधित किस सेवा को भारत में आरंभ किए जाने के लिए भारत सरकार की मंजूरी यहाँ मिल गई है? तो ये चारों में से आपको राइट आंसर यहाँ बताना है। फिर देखते हैं हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण हेतु किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, किससे केंद्र सरकार ने आयात पर निर्भरता घटाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, मतलब बाहर से कम आयात हो, आत्मनिर्भर हो, इस प्रकार की स्थिति बनाने के लिए यहाँ पे एक टास्क फोर्स गठित की गई है। इसकी अध्यक्षता, मतलब किसकी अध्यक्षता में इसे गठित किया गया है? तो यहाँ पे इसका भी राइट आंसर, मतलब जो तीनों क्वेश्चन है उसके राइट आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में, या फिर आप कहाँ दे सकते हैं? फेसबुक पर जहाँ वीडियो शेयर होता है ग्रुप में, वहाँ आप इनके आंसर दे सकते हैं। परंतु आंसर देना कंपलसरी है, आप आंसर देने की कोशिश किया करो, क्योंकि आप लेक्चर पढ़ते हो इतनी मेहनत से, तो इन क्वेश्चन के आंसर दे दोगे तो आपके दिमाग में जो पढ़े हैं वो सही फिट हो जाएगा, नहीं तो आप भूलते जाओगे। तो इसलिए टेस्ट यानी कि जो आंसर है वो देते चलना है या टेस्ट लगाते चलना है, तभी आपका पढ़ने का कोई मतलब रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ में शेयर भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो सबका फायदा होते चलेगा और हमें अत्यधिक मोटिवेशन प्राप्त होगा, जिससे कि हम आपके लिए और अधिक प्रयास कर सकते हैं और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आया तो लाइक बिल्कुल ना करें, ना ही शेयर करें, और पसंद क्यों नहीं आया है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि क्या हो, हमको पता चल जाए और हम नेक्स्ट टाइम उसे सुधार सकें। इसके अलावा आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि क्या होगा आपको बार बार वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको जो है आपकी सब्सक्रिप्शन लिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।